साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के जिला जालौर के ग्राम शुराड़ा में अनुसूचित जाति के छात्र इंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय एवं अनुसूचित जाति जनजाति पर आए दिन हो रहे अत्याचारों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है तथा राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी बिजनौर को सौंपा। दरअसल आपको बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बिजनौर कार्यालय से प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी बिजनौर को दिया गया है। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री ने कहा कि राजस्थान के जिला जालौर के ग्राम शुराड़ा में अनुसूचित जाति के छात्र इंद्र मेघवाल के परिवार में मेघवाल को प्यास लगने के कारण पानी पीने से भरे मटके को छूने पर मुनादी मनुवादी विचारधारा के अध्यापक छात्र एवं छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिससे समस्त दलित समाज में रोष व्याप्त है। 9 वर्ष के दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल साहब के साथ जो घटना घटी है, उनकी हत्या हुई है, उसके संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम ज्ञापन देना चाहते हैं आपके माध्यम से। तो ज्ञापन इस प्रकार है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय। मेरा नाम धनीराम सिंह है, मैं मुख्य कोऑर्डिनेटर हूँ बहुजन समाज पार्टी मुरादाबाद मंडल। राजस्थान में जो दलित छात्र की हत्या की गई है, अब मात्र उसका कसूर इतना था कि जो अध्यापक का वो मटका रखा हुआ था पानी का, उसने पानी पीने के लिए उसको छू दिया था और उसको इस कदर बेरहमी से मारा गया कि मारते मारते पहले तो उसकी एक आँख फोड़ दी और आँख फोड़ने के बाद जब उसको अस्पताल में ले गए तो वो उसकी मृत्यु हो गई। तो आज भी देश के अंदर छुआछूत बरकरार है, आज भी देश के अंदर दलितों पर अत्याचार हो रहा है और दलितों पर ही नहीं हो रहा, पिछले वर्गों पर भी हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर भी हो रहा है, मुसलमानों पर भी हो रहा है, सरदारों सब पर अत्याचार हो रहा है और सरकार किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ना केंद्र सरकार सुनने को तैयार है और ना वहाँ की राजस्थान सरकार सुनने को तैयार है। राजस्थान सरकार का तो ये हाल है, ये सारे अत्याचार राजस्थान में हो रहे हैं लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई किसी के ऊपर करने को तैयार नहीं है। क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि जो हत्यारा है खैल सिंह, उसको तुरंत फांसी की सजा दी जाए और 1 करोड़ रुपए उस मृतक के परिवार को दिया जाए और 1 नौकरी उसके परिवार को दिया जाए जिससे कि उसका गुजर बसर भी हो सके। मांगे अगर हमारी पूरी नहीं होती तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को हम इस चीजों से अवगत कराएंगे और जो बहन जी का निर्देशा निर्देश होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।